another important theory is uh, in theoretical principles virtue ethics virtue ethics as we all know is traditionally being proposed by aristotle and his ancient greeks ancient greek times may virtue is focus or actions or possible unki interpretations of particular virtues. Ki light mein ki thi. it assumes that by practicing being honest प्रेफ जस्ट जनिस्ट या और कोई भी पॉजिटिव विचू रखते हुए सो ऑन पर्सन डेवेलप एंड ऑनरेबल एंड मॉरल करेक्टर एंड बाई होस्टिंग वेरियस हैबिट्स पीपल विल लाइकली मेक द राइट चॉइस बाय सेग इट सिंपली कि अगर एक अच्छा इंसान है उसके अच्छे विचूज हैं तो वो जो भी डिसीजन करेगा बिकॉज उसकी एक अच्छी इंटेंशन है तो उसको सोसाइटी एक अच्छी नज़र से देखेगी और अगर उससे एट टाइम कुछ ऐसा एक्ट uh, जो है वो हो जाएगा जो कि इतना जस्टिफाइड नहीं होगा तो भी उसकी असेसमेंट उसके विचू की नज़र में की जाएगी रादर दैन लुकिंग एट टू द लॉ एंड लुकिंग एट टू द सर्टन अदर प्रिंसिपल्स इसके लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं दिस इज समथिंग वेरी सीरियस टू टॉक अबाउट लिमिटेशंस uh, की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर एक पायस बंदा एक बहुत राइटियस पर्सन एक बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर कोई क्राइम कर देता है तो क्या उसके क्राइम की इम्प्लीकेशन को हम सोसाइटी में उस नज़र से देखते हैं जैसे हम किसी ऐसे इंसान के क्राइम को देखते हैं जो ऑलरेडी नोटोरियस है ऑलरेडी दो तीन दफ़ा वो सज़ा काट चुका है और सोसाइटी में उसकी जो शोहरत है वो अच्छे नाम से नहीं है अगर हम लॉ को देखें तो लॉ सेज़ कि द बोथ आर इक्वली वर्नरेबल आ, और इन दोनों को एक ही जैसी सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन अगर हम वर्चुअल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रीक मैथोलॉजी इसको एक्सप्लेन इस तरह से करती है कि अगर किसी की इंटेंशन बुरी नहीं है और उससे कोई काम बुरा हो गया है तो हमें उसको उस सेकम में नहीं देखना चाहिए जैसे हम एक क्रिमिनल एक्ट को देखते हमारे यहाँ हिस्टोरिकली इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे जिसमें वेस्टर्न कंट्री से आए हुए कुछ सीनियर सिटीज़न्स जो थे सीनियर लेवल के जो थे उनसे कोई एक्सीडेंटल क्राइम हो गया और उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उस कंट्री के यूज़ हुए जहाँ से वो सीनियर लेवल का जो सिटीज़न था वो आया था लेकिन अगर हम अपने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के सिटीज़न्स का कोई भी क्राइम या कोई भी आ, उनकी आ, ऐसी एक्टिविटी किसी डिवेलप कंट्री के लॉ की नज़र में देखते हैं और हम वहाँ पर समझते हैं कि वो जस्टिफाइड जो है उनके लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो वहाँ पर अंडर डिवलप कंट्री का लॉ अप्लाई नहीं होता सो इट मीन्स दैट द विचू थेरी इज़ बीइंग पार्शली यू नो स्टिल इम्प्लीमेंटेड इन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और जहाँ पर कोई वैल्यूज़ uh, रखता है बहुत स्ट्रांग uh, नेम रखता है बहुत स्ट्रांग सोशल स्टेटस रखता है Uh, या अपने सिग्निफिकेंट पोजिशन रखता है सोसाइटी में तो वहाँ पर बाय अ लार्ज वी सी डेट रिगार्डलेस एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्चुअल एथिक्स कैन बी सीन एंड इट्स एप्लीकेशन कैन बी सीन सो इसकी कुछ uh, हमें कंसीडरेशन में चीज़ें रखनी चाहिए फर्स्ट द एथिकल थेरी जज इज़ अ पर्सन बाय बाई हिज करैक्टर रादर देन एन एक्शन विच बी डिविएट फ्राम द नॉर्मल बिहेवियर तो आ, उसके ओवरऑल करेक्टर को देख रही है ये थेरी आ, जो इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है वो उसके उस एबनॉर्मल एक्ट को नहीं देख रही सेकेंड वीकनेस ऑफ विशू थेरी इज़ दैट इट डज़ नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन पर्सन चेंज इन मॉरल करेक्टर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस नहीं कर रही कि उसके मॉरल करैक्टर में चाहे एक ही दफ़ा चेंज आया एक ही दफ़ा कोई इन चीज़ उसने की लेकिन वो क्यों की अगर उसने एक दफ़ा भी कोई ऐब नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न दिया है दैट शुड बी वेड वेरी केयरफुली हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए लेकिन विचू थेरी कहती है कि हम उसके जनरल करेक्टर को देखेंगे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ को देखेंगे हम उसकी किसी एक एक्ट uh, को नहीं देखेंगे हम शायद उसकी इंटेंशन को देखेंगे कि उसकी क्या ये इंटेंशन थी ऐसा करने की या नहीं थर्ड विच एथिक्स रिक्वायर द डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड बट विचूज आर गुड फॉर पब्लिक यू नो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज़ आई अर्लियर मेंशन मैंशन इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हमारी सोसाइटी के लिए राइट और रॉन्ग की जो डेफ़िनेशन है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम विर्चू एथिक्स uh, के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर तरीके के साथ सोसाइटी पर अप्लाई कर सके अगर हम सोसाइटी के विचूज को ही वर्चुअल थेरेपी uh, या वर्चुअल एथिक्स के प्रिंसिपल्स के तौर पर यूज़ करते हैं और वो सोसाइटी कोई अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती है तो इट मीन्स दैट द सिचुएशन इज़ टोटल डिजास्टर और इट्स अ लूजिंग सिचुएशन लेकिन अगर सोसाइटी बहुत अच्छे मॉरल वैल्यूज़ और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस करती है दैन वर्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं इनके एप्लीकेशन एक विन विन सिचुएशन हो सकती है सो वी रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस डीज थ्री थेरीज ऑफ एथिक्स फ्राम द फाउंडेशन ऑफ नॉर्मेटिक एथिक्स कन्वर्सेशन जो इनकी हमने बात की It is very important, however, the public relations professionals should also understand how to apply these concepts to the actual practice of the profession. Kuch situations a application useful. Maybe in some situations we find that utilitarianism is a right choice to do. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यू नो कम्पेयर एंड कंट्रास दिचुएशन इन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई दिज थेरीज़ और उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से डिसजन मेकिंग करना और एक रिसर्च को प्लान करने से पहले उसके बेनिफिट्स एंड रिस्क को आउटरीच करना और ये देखना कि क्या इसके अंदर हमें किस तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सोशल सेटिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी क्रूशल for any researcher